जब बेहयाई आम हो जाए, लम तज़हर अल-फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन हत्ता युअलिमु बिहा इल्ला ख़शाफ़िहिम अत्ताऊन बल औजाउ अल्लती लम तकुन मज़त फ़ी अस्नाफ़िहिम अल्लज़ीना मज़ौ। जब बेहयाई आम हो जाए, शर्म और हया उठ जाए, हया करने वाले शर्मिंदा होंगे और बेहयाई करने वाले तनकर चलते हैं। जनाजा उठ जाएगा, जो आज मंजर है, जो आज आलम है, जो घर घर में सूरत हाल है बेहयाई की, जिस तरह हमारी खवातीन ने लिबास को छोड़ा है, जिस तरह ओरियां हुई है, जिस तरह वाले याद हुई है, उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। कलमे वाली कौम ने खवातीन इन लिबासों को पहने, हत्ता युअल्लिमु बिहा बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। क्या लिबास है, कैसा मजबूल लिबास है। फरमाया जब बेहयाई आम और खुल्लम खुल्ला हो जाएगी, पेट की बीमारी आम हो जाएगी और वो अमराज आएंगे जो कभी पहले गुजरे हुए बुजुर्गों ने सुने भी नहीं। हम इन अमराज का इलाज एमबीबीएस डॉक्टरों को समझते हैं और अमराज की कुंजी हमारे पास है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमराज की कुंजी ईमान वालों को देकर गए हैं कि तुम हया पर आ जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी बीमारियों को दूर कर। आज बेहयाई कैसी है? बेहयाई का आलम यह है कि हमारी माएं और बहनें और बच्चियां वो लिबास पहन रही हैं कि माँ बेटी को देखे तो गुनाहगार और बेटी माँ को देखे तो गुनाहगार। और अल्लाह की लानतें बरस रही हैं। रहमत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए थे, उन रहमतों के दरवाजे हमारे यहाँ बिल्कुल बंद है, ताले लगा लिए हैं हमने कि कहीं अल्लाह की रहमत दाखिल ना हो जाए। जब बेहयाई इतनी पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लिबासों पर लानत भेजी, अलकासियात अलआरियात, पहले तो यह था कि पहनती थी चुस्त लिबास बनाया, चुस्त लिबास बनाकर खाल को छुपा लिया, जिस्म को हया कर लिया, लेकिन अब तो उससे भी मेरी आदि है। अब अगर घर में नमाजें भी हो तो फरिश्ते रहमत के लेने के लिए कब आएंगे? इन बीमारियों का सबब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये दरअसल तुम्हारी बेहयाइयों का नतीजा है। ये हम अपने अपने घर की फिक्र करें, किस तरह से हमारी माए और बहनें ये गवाह करें कि हम हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत कहलाएं और ये लिबास पहने। ये लिबास काफिरों को, यहूदियों को, ईसाइयों को उबारे। हमारी खवातीन को चाहिए वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमत का लिबास पहने। लिबास और तकवा लाने का खैर, वही तकवे वाला लिबास। वलम तकुन कुसुल मिकियाल वल मीज़ान इल्ला वखुदू बिस्सिरीन वशिद्दति मौला। और जब नापने और तोलने में कमी करने लगेंगे, इंसाफ का दामन छोड़ देंगे, तो रोजियां कम पड़ने लगेंगी, बेबरकती आम हो जाएगी। कितना भी आ जाए कम ही कम होगा। इंसान चक्की का गढ़ा बन जाएगा, सुबह शाम तक जुटेगा और जो हासिल होगा उसको जब निगाह डालेगा तो कम ही कम महसूस करेगा। किसी चीज का कम होना और किसी चीज का ज्यादा होना और इंसान के दिलो दिमाग में ये बसाना ये कम है ये ज्यादा है, ये भी अल्लाह के हाथ में। भाई युकल्लिरुकुम फी आयुनिहिम कसीरा, जंग बदर जब हुई है तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हमने मोमिनों को तो ये दिखाया, उनकी निगाह में उनकी तादाद को कम कर दिया और उनकी निगाह में उनकी तादाद को कम कर दिया। और आखिरी बात मुख्तसर मैं कर रहा हूं, फैलाता नहीं। वमन लम तहकुम अइमतुहुम बिकिताबिल्लाह वयतखय्यरू बिमा अंजलल्लाह इल्ला जअलल्लाहु बअसहुम शदीद। आपस में झगड़े, सर मुटब्बर, देवरानी और
जिठानी का एक मिनट एक दूसरे की सूरत न देखना, सास और बहुओं का इख्तलाफ, नंद और भावजों का इख्तलाफ, पड़ोसी पड़ोसी का इख्तलाफ, हाय पेशे वालों का आपस में इख्तलाफ, मौलवियों का इख्तलाफ और मस्जिदों में नमाजियों का इख्तलाफ, उसकी वजह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बताई। वो मीटिंगों से नहीं होगा, कॉन्फ्रेंस से नहीं होगा, इत्तेहाद के नारों से नहीं होगा, बयानियों से नहीं होगा, वो कैसे होगा? वो इस बात पर होगा कि आपने फैसले इस पुराने करीम की रोशनी में आप कराइए, गैरों के पास भेजे। जब आपका झगड़ा हो मस्जिद के इमाम के पास भेजिए, हजरत इमाम साहब उठ कर ये सब हो, इमाम को इमाम बनाए, आपने इमाम को गुलाम बनाया है, अल्लाह ने आपको गुलाम बना दिया। अखदों माफी ही दी, वो दुश्मनों को ऐसा आप पर मुसल्लत कर देगा कि जो आपके पास से वो ले जाएंगे। देखिए अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, आपकी कमाई, आपकी तरक्कियात, आपको जिन चीजों पर फख्र था, आप घरों में से वो ले रहे हैं, उठा के ले रहे। इराक के 380 मिसाइल अमरीका ने बना ली, अखदों माफी ही दी, इससे ज्यादा तशी और तावीर क्या हो सकती है? और मैं अपने फैसले पुराने करीब से ना, क्या परेशानी आ रही है? अदालतों में भी हारते हैं और जीतते हैं, हार के भी हारते हैं और जीत कर भी हारते हैं, तबाही और बर्बाद, वहां हुजूर हुजूर करते हैं, वकीलों के सामने खुशामदे करते हैं, हाजिरी करते हैं, कि दूर पाक रिश्ता तो सलाम है कि आप मस्जिद के इमाम को जिम्मेदार बनाया था। अरे इमाम वाली इमाम सिर्फ इसका जिम्मेदार नहीं है कि आपको रुकू और सज्दा सही करा दे, सूरह फातिहा सही पढ़ ले, सलाम तक जिम्मेदार रहे, नहीं, वो आप हर चीज का जिम्मेदार है कि आपको चेक करे कि आपका कौन सा अमल कुरान के मुताबिक है, कौन सा खिलाफ है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से तरीके के मुताबिक है, कौन सा खिलाफ है। आप जब शादी करने के लिए चले तो अपने इमाम के पास जाए, ए इमाम साहब बताइए मैं शादी करने जा रहा हूं, मैं कुरान के फैसले पर राजी हूं, कुरान और कुरान में कुरान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी शादी को पसंद फरमा देते हो बताइए, मैं वैसे ही शादी करूं, मैं नहीं मानूंगा बिरादरी की, मैं नहीं मानूंगा समाज की, मैं नहीं मानूंगा औरतों की, मेरे मुत्तबा और मेरे मुता और मेरे सरदार और मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नियत करेंगे इंशाअल्लाह हम अपने फैसले कुरान से कराए, और अपने घरों की बेहयाइयों को हम जाकर खत्म करेंगे, और हमारी माया बहने अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, तुम अपने शोहरों को और भाइयों को जहन्नम के आग से बचा, और दुनिया में जो अजाब की चक्की में पिस रहे हैं उससे इनको निजात दिला दो, और तक्वे और इस्लाम का लिबास इख्तियार करो, कुरान करीम के फैसले पर राजी हो जाओ हर चीज में। जब भी हम कुछ व्यापार करने के लिए चले, तिजारत करने के लिए उसका लाइसेंस तो ले ले इस्लाम से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हम कहते हैं हमारे आका अल्लाह के रसूल और लाइसेंस लेते हैं सरकार से, हम लाइसेंस तो ले, लाइसेंस क्या है? हम जिस काम को करने के लिए जा रहे हैं मालूम करें इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है। एक ऑस्ट्रेलिया का एक शख्स इस्लाम ले आया, का इस्लाम किसे कहते हैं? इस्लाम इसे कहते हैं कि हर काम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा की जाए। उसके सामने खीरा रख लिया, अब वो खा ही नहीं रहा, मैंने यह किया है हर काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका करूंगा, बताओ तो सही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तरीका। वालिद का इंतकाल हो गया, अब झगड़ा हो रहा है, बहने हिस्सा मांग रही है, बहने हिस्सा मांग रही है, इस बात पर नाराजी है, हालांकि होना यह चाहिए कि आप बहनों का हिस्सा देकर आए, किसी कीमत पर इस पर राजी ना हो कि हम किसी का हिस्सा, बहने अल्लाह ने कमजोर बनाया है, बहनों को तो हम देने वाले बने ना कि लेने वाले। अगर बहन के घर पहले रिवाज था कि लड़की वालों लड़की के यहां खाना नहीं खाया करते थे, कि लड़की को देने का हक है लेने का हक नहीं है, और आज विरासतों के मामले में बाप के माल पर काबिज हो जाते हैं, ये फैसला भी इमाम साहब से कराएंगे। क्या क्या खाने बने, कैसे कैसे बने, इमाम साहब से कराएंगे। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम
लेकिन किस चीज को इसराफ कहा है इमाम साहब से मालूम कीजिए, न फजूल खर्ची हो, न इसराफ हो, न बुख्ल हो, न इसराफ हो, न ऐसी बहादुरी हो कि सब पर जुल्म करें और न ऐसी मिस्कीरी हो कि सब पर जुल्म होने दें। नजुल होने देंगे, नजुल सहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी शान रहमत की बात कही है, उनसुर अखाक ज़ालिमन व मज़लूमा, ए मेरे मानने वालों और ए मेरे मुत्तकीन, तुम जालिम की भी मदद करो और मजलूम की भी मदद करो, अपने भाई की मदद करो, मजलूम हो गए जालिम। सहाबा इकराम रोंगटे खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं, आज तक तो आपने बताया कि सच्चाई का साथ दो, सच्चाई का साथ दो, जुल्म का साथ मत दो, जालिम के साथ मत रहो, आज क्या फरमाया आपने, आज फरमाया कि मदद करो जालिम हो या मजलूम तुम्हारा भाई, आपने फरमाया कि मजलूम की मदद करो कि उस पर कोई जुल्म नहीं कर सके और जालिम को उसके जुल्म से रोक दो, फैन जालिम नसरहु, यह उसकी मदद है। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तेबा की तौफीक नसीब फरमाए, ताकि अरहम रहीम की रहमत और रहमतुल आलमीन की मेहनत और हमारी जिंदगी उसके मुताबिक होकर कुरान के साथ ढल जाए। सामईन हजरात, हमारे और आपके रूबरू हजरत मौलाना मोहम्मद इमरान जाकिर साहब सदर मदरसीन नाज़िम मदरसा अंजुमन मुहावरुल इस्लाम संभल अपने नूरानी बयान से हम सबको मुस्तफीज फरमा रहे थे। सामईन हजरात, कुरान करीम के मौजू से, कुरान करीम की निस्बत से ये प्रोग्राम आज यहाँ मुनाकिद किया गया है। कुरान करीम की आजमत व अजमत है, कुरान करीम वो किताब है, لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله। कुरान कहता है कि अगर मुझे पहाड़ों पर नाजिल कर दिया जाता तो ये पहाड़ जर्रा जर्रा रेजा रेजा हो जाते। कुरान करीम कहता है